नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा एंड आई एम फ्रॉम कैट टेक। स्वागत है आपका ऑटो का 2018 के फिफ्थ लेसन में। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया, फिफ्थ लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलीगन के बारे में। तो लास्ट तक प्लीज मेरी वीडियोस को देखते रहें और अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करते रहें। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस में आपके लिए और ला सकूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब पॉलीगन, पॉलीगन की शॉर्टकट की होती है POL Intel। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या चीजें आप देख पा रहे हैं, जिनकी थ्री साइड्स होती हैं उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, फोर साइड को स्क्वायर बोलते हैं, जिसकी इक्वल साइड रहती है, जिनकी इन फ्रंट ऑफ आमने सामने की आपकी साइड्स इक्वल रहती हैं उसे रेक्टेंगल बोलते हैं, फाइव साइड्स को पेंटागन बोलते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, इन्हीं सब शेप्स को हम पॉलीगन्स बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? अब मान लो मेरे को एक पॉलीगन बनाना है, जो मेरे को एक्चुअली क्या है कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है 10 रेडियस का। क्लियर? एक और मेरे पास सर्कल है, मैंने एक सर्कल बनाया, 10 रेडियस मैंने प्रोवाइड किया। क्लियर है? मेरे को एक पॉलीगन बनाना है, मेरे को एक पेंटागन बनाना है, जो सर्कल के अंदर आए, जो सर्कल के अंदर आए, जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे आए हुए हैं, इसे हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब जो आपका पेंटागन बनेगा वो भी रेडियस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो आपका एक रेक्टेंगल सर्कल होता है वो भी आपका एक पॉलीगन ही है। अगर मैं इसकी साइड्स को, नंबर ऑफ साइड्स इसकी इंक्रीज कर दूं, मान लो मैं 50, 60, 70 कर दूं, तो वो भी आपको एक सर्कल टाइप में ही नजर आएगा। तो जो आप पॉलीगन बनाएंगे वो भी आपका सर्कल टाइप, जो सर्कल ही मान सकते हैं आप उसे, बट उसके आप साइड मेंशन कर देते हैं कि मेरे को फाइव साइड चाहिए। मान लो आपको एक पेंटागन बनाना है और 10 रेडियस का बनाना है, आप चाहते हैं कि एक सर्कल है यहाँ पे, एक आपका पेंटागन बने जो 10 रेडियस का बने, जो सर्कल के अंदर आए, तो हम इसे बोलते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। क्लियर दोस्तों? सेकंड है कि मैं एक पेंटागन बनाना चाहता हूँ, 10 रेडियस का बनाना चाहता हूँ, जो सर्कल के बाहर आए, तो हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। डिफरेंस क्या है? जब अंदर पॉलीगन आएगा आपका, जब आप अंदर पेंटागन आएगा, तो इसके पॉइंट्स, ये वाले कॉर्नर वाले पॉइंट्स आपके सर्कल से टच होंगे, और जब आपका बाहर आएगा तो एजिस के मिड पॉइंट आपके सर्कल से टच होंगे। क्लियर दोस्तों? मान लो मेरे को अब यहाँ पे बनाना है, तो मैंने शॉर्टकट की यूज की, पॉलीगन के लिए शॉर्टकट की है POL Enter। जैसे POL Enter करोगे यहाँ पे शो हो जाता है पॉलीगन, पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड। आप यहाँ पे साइड प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने यहाँ प्रोवाइड किया कि 5। एंटर, आप पूछते हैं स्पेसिफाई करो सेंटर ऑफ पॉलीगन। देखो अभी आपको सेंटर ऑफ पॉलीगन स्पेसिफाई करना है, जो आपका सर्कल का सेंटर है। अभी आपको सर्कल का सेंटर शो नहीं हो रहा है, जैसे आप इसकी एजिस पे जाएंगे तो सर्कल का सेंटर शो होने लगेगा। आप उस पर क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपसे एक एंटर एंड ऑप्शन एक चीज पूछता है, जिसमें आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि आपको इंस्क्राइब्ड इन सर्कल चाहिए या आपको सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल चाहिए। क्लियर दोस्तों? अगर आपको इंस्क्राइब इन सर्कल चाहिए तो आप प्रेस करेंगे आई एंटर। जैसे ही आई एंटर किया तो आपका पेंटागन बनना स्टार्ट हुआ, बट अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई माउस से आपको अभी क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपल डायरेक्टली यहाँ पे देखना है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। आप रेडियस बताएं कि आपको रेडियस कितना चाहिए। मेरे को चाहिए 10 रेडियस, तो आपने यहाँ पे 10 किया, एंटर किया, तो आपका एक पेंटागन बना जो आपके सर्कल के अंदर बना। क्लियर दोस्तों? मैं सेम पेंटागन चाहता हूँ जो सर्कल के बाहर बने, तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा POL Enter अगेन। यहाँ पे आता है पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड्स, अगेन मैं 5 एंटर करता हूँ। यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ पॉलीगन, अगेन मैं इसको सेंट एज ए सेंटर मार्क करता हूँ। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, उसके लिए मैं C एंटर करता हूँ। अब पूछता है रेडियस ऑफ सर्कल, मैं प्रेस करता हूँ 10 एंटर। तो जब ये पॉलीगन जो बना वो सर्कल के बाहर बना। अब जरूर दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके पास जब सर्कल होगा तभी आप एक पेंटागन या पॉलीगन को बना सकते हैं। मान लो मेरे को एक 10 रेडियस का पेंटागन चाहिए, मेरे पास कोई सर्कल नहीं है, तो मैं यहाँ पे POL एंटर करता हूँ। एंटर नंबर ऑफ साइड मैंने 5 एंटर किया, यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, मैंने कहीं पे भी क्लिक करके शो कर दूंगा कि मेरे यहाँ पे पॉलीगन है, सेंटर है पॉलीगन का। तो उसके लिए फिर मैं इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब के लिए आई एंटर, इंस्क्राइब के लिए सर्कमस्क्राइब सी एंटर कर सकता हूँ, एंड रेडियस ऑफ पॉलीगन में डायरेक्ट लाइन प्रेस कर सकता हूँ, तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ DRA एंटर करके, तो आपका वो रेडियस चेक करता है कि आपका 10 रेडियस है। क्लियर दोस्तों? ऐसे ही जैसे आपने पेंटागन बनाया है, ऐसे ही आप ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, आप इसी
पॉलीगन की हेल्प से ही बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको आपको कोई नॉलेज मिली होगी, आपको चीज़ें गेन हुई होंगी आपको। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में भी आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी कुछ लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।